तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं VIP टैग्स ऑन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपना जो शॉर्ट का चैनल है उस पर वीडियोज़ को एडिट कैसे करना है। अभी आप जैसे ही यूट्यूब खोलते हैं, देखिए यूट्यूब खोलते ही आपको कहीं ना कहीं पर एक शॉर्ट वीडियो दिखाई दे जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और वायरल में रहती है। तो आप लोग भी सोचते होंगे यार ये वीडियो कैसे एडिट करता है, आपके मन में यही सवाल रहेगा कि यार काश मैं इससे अच्छी वीडियो एडिट कर पाता अपने शॉर्ट चैनल के लिए। आपका अगर फैक्ट का चैनल है शॉर्ट का, तो आप लोग भी अगर अपनी वीडियो को अच्छे से एडिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको फॉलो करना है, आप बहुत अच्छी वीडियो को एडिट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का आइकन आएगा उसको भी ऑन कर देना। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, जिसको आप लोग भी यहाँ ओपन कर लेना। अगर आपके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो इसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहां से डाउनलोड नहीं होता है तो जो मैं यूज करता हूं प्रो वर्जन, अगर इसका लिंक चाहिए तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहां पे आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आप लोग को यहां पे ऑप्शंस दिख रहे हैं दो तीन, इसमें बीच में एक प्लस का आइकन मिल जाएगा बड़ा सा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करने के बाद हम लोग इधर एक रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी रेशियो में हमको वीडियो को क्रिएट करना है, फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको ये बीच वाला रेशियो को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम लोग शॉर्ट वीडियोज़ के लिए वीडियो एडिट करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे 9:16 का रेशियो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने उस वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है जिसमें आपकी सारी वीडियोस और फोटोज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैं उन वीडियोस को ऐड कर लेता हूँ जिन वीडियोस पे अपनी वीडियो को क्रिएट करने वाला हूँ, जिन वीडियोज और फोटोज़ पर। तो फटाफट से मैं यहाँ पर ये हो गई कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे आपको ऐसे तीन चार फोटो और वीडियो ऐड कर लेना है, एक एक करके कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने ऐड कर लिया है, अभी ये देख सकते हैं कि ये वाली जो वीडियो है पूरे फुल स्क्रीन में नहीं है। तो इस वीडियो पे ऐसे क्लिक करना और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा राइट साइड में रहेगा बीच में, इस पर क्लिक करना और इस वाली स्क्रीन पर इधर देख सकते हैं बीच में, इस पर आप दो बार ऐसे टैप करना, ठीक है। इस पर दो बार ऐसे जैसे ही आप लोग टैप करोगे बिल्कुल फुल स्क्रीन में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इधर राइट साइड में आपको इधर इस पर क्लिक कर देना होगा, रेड जो हो जाए, जैसे ही रेड होगा उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे इस वाले वीडियो पर भी सेम ऐसे ही करना है, दो बार इस पर टैप करेंगे ऐसे, उसके बाद यहाँ इधर राइट वाले पे क्लिक करेंगे और राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वीडियो को कर लिया फुल स्क्रीन में। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर अपना जो साउंड है उसको ऐड कर लेंगे। सबसे पहला काम यही रहेगा कि हम लोग अपने साउंड को इधर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से ऑडियो पे जाएंगे और इधर से मैं अपने फोल्डर से एक साउंड को ऐड कर लूँगा। तो आप लोग अपना साउंड इसमें ऐड कर लेना है जो आप लोग पहले से रिकॉर्ड करके रखे रहेंगे अपने शॉर्ट वीडियो के लिए। तो यहाँ से मैं अपना उस साउंड को इधर ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इधर से एक ये वाला साउंड ऐड कर लेता हूँ, इसको पहले स्टार्टिंग में कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा साउंड जो है ऐड हो चुका है। इसके बाद अभी काम आता है दोस्तों कि आप कोई भी वीडियो या फिर फोटो अगर बाहर से इसमें ऐड करेंगे तो उसमें देख सकते हैं कलर जो रहेगा थोड़ा सा डल टाइप का दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर कलर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर वीडियो या फिर फोटो का हम लोग कलर एडजस्ट करेंगे। कलर एडजस्ट करने के लिए वीडियो पर क्लिक करना और यहाँ एडजस्टमेंट पर आ जाना। एडजस्टमेंट पर आने के बाद इसका जो है ब्राइटनेस थोड़ा सा आपको कम कर लेना है वीडियो के हिसाब से, जैसा अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करेंगे और बीच वाला जो कंट्रास्ट है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी, और यहाँ सेचुरेशन को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देंगे ताकि इसमें कलर जो है बिल्कुल ब्राइट दिखे। देख सकते हैं अभी इसमें कलर कितना अच्छा दिखने लगा है। सेम इसी तरीके से हम लोग जितनी भी फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ रहें सब में ऐसे ही कलर एडजस्टमेंट आपको कर लेना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे कम करेंगे और इधर इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। तो तीनों मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर तीन वीडियो ऐड किया, तो आप अगर फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ जो भी ऐड कर रहे हैं उनमें ऐसे कलर एडजस्ट आपको कर लेना है अपने हिसाब से, जैसे आपके फोटो या फिर वीडियो में अच्छा लगे। तो यहाँ पे हो गया कलर एडजस्टमेंट। उसके बाद बात आती है दोस्तों कि हम लोग जो फोटोज या फिर वीडियोज ऐड करते हैं उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट जो बीच बीच में आता है वो कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ कि हमने जो वीडियोज या फिर फोटोज ऐड किया उनके बीच में यहाँ पे व्हाइट कलर का दिखेगा कुछ, ठीक है। इस पर ट्रांजिशन इफेक्ट लगता है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक जैसे ही करूँगा देख सकते हैं इधर मैंने ऑलरेडी पहले से
से कुछ इफेक्ट डाउनलोड करके रखें। तो इफेक्ट डाउनलोड कैसे करना है, बिल्कुल नीचे में आ जाना स्क्रॉल करके, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा किट मोर का। तो इसको जो है इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल का इंटरनेट को ऑन कर लेना, उसके बाद यहाँ गेट मोर पे क्लिक करना। गेट मोर पे क्लिक करोगे तो इधर बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, देख सकते हैं बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। कोई भी इफेक्ट इधर से आप डाउनलोड ही कर लीजिए। तो जैसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है इफेक्ट को, देख सकते हैं, तो इधर ही से मैं कोई एक इफेक्ट इधर से ऐड कर लूँगा जो इस वीडियो के हिसाब से अच्छा लगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया, देख सकते हैं इसमें जूम इफेक्ट लग चुका है। उसके बाद अभी नेक्स्ट वाले आ जाएंगे आगे नेक्स्ट वाली वीडियो पे, और यहाँ पर भी हम लोग एक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे ताकि वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। अगर इफेक्ट नहीं लगाएंगे वीडियो में तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, और वीडियो में इफेक्ट लगाने के बाद थोड़ा सा क्या होता है कि हमारे वीडियो में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, और जो हमारे ऑडियंस होती है उनको देखने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट बढ़ता है देखने का, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट का काम यही होता है कि आपकी वीडियोज़ को काफ़ी अच्छा दिखाता है। तो इधर से मैं कोई भी एक इफेक्ट ऐड कर लूँगा जो थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया है, देख सकते हैं अभी वीडियो हमारा जो है ऐड हो गया। अभी बात आती है कि हम लोग जो फैक्ट चैनल में देखते हैं कि ऊपर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं इधर स्क्रीन में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, नीचे लिखा रहेगा, जैसे ये हवा महल है, देख सकते हैं हमारी जो है फर्स्ट वाली वीडियो है ये हवा महल है। तो इधर पहले मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और लेयर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मीडिया पर जाएंगे, और इधर से बैकग्राउंड पर जाएंगे, और इधर से कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर येलो ले लेता हूँ, और इसको कुछ इस तरीके से ऐसे कर देंगे घुमा के, यहाँ पे करने के बाद ऐसे कर देंगे, और इसको ऊपर में यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, ऊपर में या फिर नीचे में, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ऊपर में रख के अभी दिखा रहा हूँ, इसको चाहिए तो आप पूरे वीडियो में कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, पूरे वीडियो में, या फिर अलग अलग पार्ट पे अलग अलग कट करके अलग अलग कलर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा कोई भी कलर बैकग्राउंड, ठीक है। कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद लेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आने के बाद जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, भले इसको कर लेते हैं हिंदी में, हवा महल कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये लिखेंगे हवा महल कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मैंने लिख लिया, और इसको यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे, कुछ इतने पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट पे आ जाएंगे डबल एक ऑप्शन पे, यहाँ पे आने के बाद एक अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि वहाँ पे जब भी मतलब लगाएंगे थोड़ा सा अच्छा लगे, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, और इसका कलर आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ रेड कर दिया, यहाँ पर ब्लैक कर दिया, तो ब्लैक रख लेते हैं कुछ इस तरीके से, ब्लैक थोड़ा अच्छा दिखता है, या फिर ब्लू रख लेंगे, जैसे बैकग्राउंड के हिसाब से वो अच्छा दिखना चाहिए। तो यहाँ पर शैडो ऑन है, शैडो बंद कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे थोड़ा सा, और देख सकते हैं ये हमने लिख दिया। उसके बाद अभी इसी का आपको कॉपी कर लेना है, इसी लिरिक्स पे, इसी जो भी हम लोगों ने लिरिक्स का लेयर ऐड किया, इसको क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है, डुप्लीकेट वाले पे ऐसे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, और यहाँ पे इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद हम लोग यहाँ पे, जैसे कि हमने वहाँ पे लिखा है हवा महल कहाँ स्थित है, तो इधर क्वेश्चन मार्क कुछ इस तरीके से लगा देंगे, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, या फिर छोटा ही रहने देंगे, जैसे जितने पे यहाँ पे अच्छा लगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे, हाईलाइट टाइप का दिखना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं पहले, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने लगाया इसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, और इसका कलर भी हम लोग चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं, और इसको यहाँ तक रख लेंगे जहाँ तक ये हवा महल वाला वीडियो है या फिर फ़ोटो है, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आपको पूरे वीडियो में, यहाँ देख सकते हैं जहाँ तक ये वाला अभी देख सकते हैं लाल किला है, तो लाल किला वाले पे आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं सेम इसी तरीके से। और अभी बात करते हैं कि इन लिरिक्स में इफेक्ट कैसे लगाया जाए, ठीक है, पहले इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे हम लोग, कुछ इतने पैसे सेट कर लेंगे, उसके बाद इस लिरिक्स में हम लोग इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ इस पर क्लिक करना लिरिक्स पे, और इन एनिमेशन पे जाना, और फेड पे क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन आएगा। तो सेम इसी तरीके से दोनों में हम लोग कर देंगे इन एनिमेशन, या फिर पॉप कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, सॉरी ये इस पर लग गया बैकग्राउंड पे, तो इसको पहले नॉन कर देते हैं,
कुछ इस तरीके से हम लोग इस वाले पे लगा लेंगे। इन एनिमेशन में फेड, पॉप कोई भी आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, बहुत सारे एनिमेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने फेड लगा दिया और आउट एनिमेशन भी दे सकते हैं, दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ आउट एनिमेशन पे जाएंगे, कुछ इस तरीके से आउट एनिमेशन भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। दोनों में आप कोई भी अपने हिसाब से आउट एनिमेशन, इन एनिमेशन लगा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं अभी अगर हम लोग वीडियो प्ले करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये वीडियो प्ले होगा, हवा महल कहाँ स्थित है। और अगर कुछ इसी तरीके से आप लोग इसमें नीचे और कुछ भी लिखना चाहते हो इसमें वीडियो में, तो नीचे कुछ इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हो, या फिर सब्सक्राइब लिखना चाहते हो, या फिर कोई सब्सक्राइब बटन का वीडियो ऐड करना चाहते हो, तो लेयर पे जाइए, यहाँ पे लेयर पे जाइए और अपने फोल्डर से, जैसे मैं यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये रहा, इसको ऐड कर लेंगे, ग्रीन स्क्रीन में रहेगा। इसको ऐड करने के बाद क्रोमा की पे जाएंगे, इधर रहेगा राइट साइड में, और इसको एनेबल कर देंगे तो यहाँ पे ग्रीन वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। इसको छोटा करने के बाद यहाँ पे लगा लेंगे नीचे की साइड में कुछ ऐसे। इसको लगाने के बाद इसका थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, थोड़ा सा पार्ट आगे का हम लोग पहले यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरीके से कट कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो ये सब्सक्राइब का बटन है वो भी लग चुका है एनिमेशन वाला। कुछ इस तरीके से हम अपनी शॉर्ट वीडियो को एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और हमने जो साउंड यहाँ पे लगाया था उसको अपने वीडियो या फिर फ़ोटो को हिसाब से यहाँ पे कट करके एडजस्ट कर लेना है पूरे वीडियो में। तो यहाँ पे इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ऑडियो को यहाँ से कट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ कैची वाले ऑप्शन पर जाके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमारी वीडियो कम्प्लीटली जब बन के रेडी हो जाए, उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक शेयर का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। लेकिन उससे पहले एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करने से पहले इधर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, क्वालिटी आप लोग सिलेक्ट कर लेना जिस भी क्वालिटी में आप वीडियो को सेव करना चाहते हो। तो यहाँ से मैंने एक क्वालिटी देखी ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी, उसके बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना तो आपका जो वीडियो है आपकी गैलरी में एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसको आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों की वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप सबको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि ये वाली वीडियो आप सबको कैसी लगी है, और ये भी कमेंट कर देना कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे आपके लिए मैं लाऊं, और यार वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इधर रेड कलर का नीचे में बटन एक दिख जाएगा उसको दबा दो, और घंटे का आइकन आएगा उसको भी ऑन कर देना, ताकि जब भी कोई अपनी एक नई वीडियो आए, ट्रेंडिंग वीडियो कोई भी मैं नई अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।